Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. साल 2022 के बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में जहां सरकार बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बजट को लेकर सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी संकट में है। अगर सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में पूरी तरह से रिकवरी आए तो इसके लिए कई बड़े फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार को इकोनॉमी को लेकर एक मजबूत लकीर खींचनी चाहिए। रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है, ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चमकदार क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें स्वास्थ्य सेवा कंपनियां आती हैं। इसके अलावा आईटी और आईटी एलाइड सेक्टर जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में यूनिकॉर्न बने हैं और वित्तीय क्षेत्र के कुछ हिस्से भी मजबूत हैं। तो वहीं काले धब्बों की बात की जाए तो बेरोजगारी, लो परचेसिंग पावर, छोटी और मझोले आकार की कंपनियों का वित्तीय दबाव मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रघुराम राजन ने कहा कि बजट एक फ्यूचर का दस्तावेज होता है जो प्लान को दर्शाता है। मैं बजट में भारत के लिए 5 या 10 साल की सोच देखना चाहता हूं। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन सरकार के पास सीमित संसाधन है। यही वजह है कि वित्त मंत्री अब खुले हाथ से खर्च नहीं कर सकते। रघुराम राजन अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। राजन ने इकोनॉमी के K शेप रिकवरी के लिए भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर K शेप के रिस्टोरेशन में टेक्नोलॉजी और बड़ी कैपिटल वाली कंपनियों की स्थिति महामारी से ज्यादा प्रभावित छोटे कारोबारों और उद्योगों की तुलना में सुधरती है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9% रहने का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष इकोनॉमी में 7.3% की गिरावट आई थी। जहां जरूरत है वहां सरकार खर्च करे, लेकिन हमें सावधानी से खर्च करने की जरूरत है, ताकि राजकोषीय घाटा बहुत ऊंचाई पर न पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देशों के लिए महंगाई चिंता का विषय है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।